नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शब्दिका और आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। पिछले कुछ सालों से सलमान खान पर लगे काला चिंगारा शिकार से जुड़े मामले में आज जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकारों को वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत सुनवाई की गई, जिसमें सलमान खान को 5 साल की सजा सुनवाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल। 1998 के काला हिरण शिकार मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान के मामले पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पिछले 19 सालों से चल रहे मामले की अंतिम सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुना दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान के साथ फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अन्य कलाकार तब्बू, नीलम, सैफ अली खान भी जोधपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान पर हम साथ साथ हैं की फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर 1998 को कनकानी गांव में 2 काले हिरण का शिकार करने के लिए आरोप लगे थे। जोधपुर की अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली, तब्बू, नीलम को बरी कर दिया गया है। साथ ही सलमान खान को दोषी करार करते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। सलमान खान की बहन अलवीरा और प्रीता भी उनका साथ देने के लिए कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली, इसलिए कोर्ट के बाहर और छत पर पुलिस को तैनात किया गया था। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को भी तैनात किया गया था। आज जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। जो बॉलीवुड और देश की जनता जो सलमान खान को दिलोजान से प्यार करती है, उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।